अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे और अजीज बच्चों, आज मैं आपके सामने दर्जा 5 से सबक 2 पढ़ाने जा रही हूँ। मेरा मेन मौजू आज का जो मौजू है वो नौशरवा के कंगन। इसमें हम नौशरवा के कंगन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीकी जब मक्के से निकलकर मदीने की तरफ चले तो काफिरों ने ऐलान कर दिया कि जो कोई मोहम्मद और उनके साथी अबू बकर को पकड़ कर लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। इनाम के लालच में बहुत से काफिर रसूल अल्लाह की तलाश में निकल पड़े, इधर उधर दौड़े और ढूंढने लगे। उनमें से एक आदमी सराका नाम का था, उसके पास एक घोड़ा था जो बहुत ही तेज दौड़ता था। उसने सोचा कि जब मैं इस घोड़े की मदद से मोहम्मद और उनके साथी अबू बकर को आसानी के साथ पकड़ सकता हूँ, तो ये सोचकर वो अपने घोड़े पे सवार हुआ और मदीने की जानिब चल दिया। हजरत अबू बकर ने जब देखा कि सराका घोड़ा दौड़ाए हुए हमारे पीछे आ रहा है तो उन्होंने हुजूर से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, सराका ने हमें देख लिया, वो हमारे पीछे आ रहा है। हमारे प्यारे नबी ने ये फरमाया कि फिक्र ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। आपकी इस बात से हजरत अबू बकर को इत्मीनान हो गया। वो जानते थे कि नबी का कहना गलत हो ही नहीं सकता। इतने में सराका बिल्कुल करीब आ पहुंचा। उसी वक्त अल्लाह ताला की कुदरत से सराका के घोड़े के चारों पैर पेट तक जमीन के अंदर धंस गए। ये देखकर सराका बहुत घबराया और पूरी कोशिश की लेकिन घोड़े के पांव बाहर ना निकले। सराका समझ गया कि रसूल पाक और उनके साथी को गिरफ्तार करना मुश्किल काम है। जिसकी हिफाजत खुदा कर रहा है उसको कौन पकड़ सकता है। फिर वो कहने लगा कि ऐ मोहम्मद, मुझे और मेरे घोड़े को इस मुसीबत से छुटकारा दिला दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि वापस चला जाऊंगा और जो कोई नबी की तलाश में इधर आ रहा होगा उसे भी वापस ले जाऊंगा। सराका की ये ख्वाहिश सुनकर, ये दरख्वास्त सुनकर नबी ने दुआ फरमाई और उसके घोड़े के पैर जमीन के अंदर से बाहर निकल आए। सराका वापस जाने लगा तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, ऐ सराका, तुम अभी अल्लाह पर ईमान नहीं लाए हो लेकिन खुदा की शान निराली है। मैं तुम्हारे हाथों में ईरान के बादशाह नौशरवा के कंगन देख रहा हूँ। सराका बाद में इस्लाम ले आया और आपने जो पेश गोई फरमाई थी वो हजरत उमर के जमाना खिलाफत में पूरी हुई। हजरत उमर के दौर में ईरान फतह हुआ और जो माल गनीमत आया उसमें ईरान के बादशाह के सोने के कंगन भी थे। हजरत उमर ने ये कंगन सराका के हाथों में पहना दिया। तो प्यारे बच्चों, इसमें इस सबक में हम ये सीखते हैं कि हमेशा अच्छी चीज, अच्छी ख्वाहिश और नेक रास्ते पे चलना चाहिए। अगर नेक रास्ते पे चलोगे बद की रास्ते से हटकर तो खुदा पाक आपको ऐसे मुकाम पे पहुंचा देगा जो आप खुदावंद करीम के बहुत ही नेक बंदों में शुमार किए जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने जो आपके सामने सबक 5 से दर्जा 5 के सबक 2 का जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, समझाया है, मुझे यकीन है कि आप भी उसे बहुत अच्छे से घर पे पढ़ेंगे और समझेंगे फिर से। और इसमें जो बुकवर्क दिया है जो आपके सामने है, ये सही, मतलब ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से किसी एक पर सही का निशान लगाना है। जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर मक्का से जाने के इरादे से निकले, तो इसमें यमन है कि मदीना है कि जिद्दा, इसमें जो ऑप्शन सही है उसमें आप एक पे सही का निशान लगाएंगे। उसी के जस्ट नीचे खाली जगह है जिसमें खाली जगह आपको भरना है। और इन सब को बुकवर्क करके आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना। खुदा हाफिज़।